फिलहाल आप देख लगे बानी खेड़ा में ढोल रखे बजन लग रहे हैं कपूर जी की जीत पर। फिलहाल बानी खेड़ा में नचन लग रहे हैं ढोल धमाके के साथ। इसी का मतलब एक तरफ माहौल बातचीत कराएंगे किस तरह आज कितनी खुशी हो रही है किस तरह के नाच ला रहे हो ऐसे दिवाली मना रहे हैं होली मना रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसी खुशी है कि होली और दिवाली इकट्ठी बन रही है। आज ऐसी खुशी है बहुत ज्यादा होली दिवाली सब कुछ एक खुशी से मना रहे हैं। भाई कपूर जिंदाबाद। हमें बहुत ही बहुत उत्साह है इतना उत्साह है हम नाच नाच के भंगड़ा पाएंगे खुशियां मनाएंगे और आज बुआनी खेड़ा में इतनी खुशियां मनाएंगे जिसकी कोई हद भी नहीं है। बाबूजी क्या कहना चाहोगे बुजुर्ग आदमी कपूर जी बनने से बेहद खुशी है। ये बुआनी खेड़ा हल्का का चौमे दिन रात विकास होगा सर विकास कार्य होंगे। हरियाणा की जनता ने ये संदेश दिया है कि जो पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगी ना सारा समाज सारा हरियाणा उसके साथ लगेगा। जो जातिवाद भेदभाव की राजनीति करेंगे उसको हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। अगली बार फिर कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद। फिलहाल मैं देखो युवा साथी और भी खड़े बातचीत करने की कोशिश कराएंगे क्या कहना चाहोगे भाई साहब। भाई साहब धन्यवाद कपूर भाई साहब का जिंदाबाद। बड़ी बड़ी खुशी है बहुत खुशी है और सब भाइयों ने खुशी है सब ने मिल के सहयोग दिया है। बातचीत करने की कोशिश कराएंगे बुजुर्ग तो मिलने की कोशिश कराएं क्या कहना चाहोगे भाई साहब। खुशी है कपूर सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है गांव वाले इकट्ठे वोट दिए सबने। बस कपूर भाई धन्यवाद बुजुर्ग भाई बुजुर्ग तो बातचीत कराएंगे क्योंकि इनमें जुनून था। क्या कहना चाहोगे अंकल जी आज खुशी होगी। खुशी बहुत बढ़िया इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। मेजोरिटी की सरकार सबसे मिली जुली कपूर के सब समाज ने मिलकर बनाया और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई से बड़ी खुशी और क्या होगी। हम कहना चाहूँगा जी महारे कपूर वाल्मीकि ने जो यही खुशी है कि टिकट दी एक गरीब बच्चे को बीजेपी ने और वो 25,000 वोटों से गांव ने जिताया सारे सहयोग से पूरे हल्के के सहयोग से और जो ने राजनीति करी की वो गब थी। बुआनी खेड़े में पहली बार सीट आई पहली बार जीत गए। बुआनी खेड़े में सुनो सबसे बड़ी खुशी यह है कि बुआनी खेड़ा के अंदर 50 साल बाद सीट आई है 50 साल से कोई नहीं आई थी। यही कहना चाहूँगा जी 50 साल बाद सीट आई है हमारी बहुत खुशी है बहुत उत्साह है इस चीज का। देखो भाई फिलहाल बुआनी खेड़ा के दफ्तर में बुआनी खेड़ा के व्यक्ति आड़े का है बातचीत करने लग रहे हैं एक ही जुनून है सारे के सारे मजबूत साहब बनना रहे क्या कहना चाहोगे भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे सब 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 ने मिलकर साथ दिया है एक एक बच्चा छोटा बड़ा बुजुर्ग सब ने मिलकर साथ दिया है। भाई साहब 60 साल लग इतिहास में पहली जीत है और केवल जीत नहीं प्रचंड जीत है और प्रचंड जीत के साथ साथ बुआनीखेड़ा को पहला मंत्री बनना इस बड़ी और खुशी क्या होगी। यानी पहली बार सीट आई बुआनीखेड़ा में और पहली बार जीत गए और पहली बार और एक तरफ वो कौन था तमने नारा दिया था बोला गरीब छोरा मिछोरा के था। देखो गरीब छोरा और शरीफ छोरा निसंदेह रूप से ये आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में क्योंकि आप घर जाके देख लियो भाई साहब ने टिकट मिली ना कली भी जो पेंट भी है ना भैया ने इकट्ठे होकर पीछे इकट्ठे करके न करवाया और इससे बड़ी और कई बात हो गई। कितनी बढ़िया बात मिली है कि वो उसका घर भी सा था फुटा पटा सा कली तुली भी न मिलाई गई है जी तो नुको लागत है एक बारी कि भाई एक तरफ तो अमीर सरकार है अच्छे नहीं नहीं देखो हमेशा सच्चाई की जीत झूठ पर होती आई है आडम्बरों पर होती आई है। यहाँ का जो शुरू से जो ताना बना बना हुआ था बुआनीखेड़ा का दादू भूमि का ये संतों की नगरी है और मैं ये दादू भूमि नहीं कहूँगा साथ में दादू पंथ की भूमि ये होगी बाबा जगन्नाथ की भूमि होगी बाबा परमहंस की तिगड़ाना होगी कर्म बलि है अच्छा कर्म का बलि है अच्छा। आज बुआनीखेड़ा में कितना उत्साह है
बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इतना उत्सव है पूरे हल्के का। अच्छा, ये नहीं है कभी एक का है, सब का, चारों तरफ। जिसके सिर पे ताज होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। कपूर बाल्मीक जिंदाबाद। क्या कहना चाहूंगा, अकेले कपूर की जीत नहीं है, पूरे हल्का बुआनी खेड़ा की जीत है ये। सब खुशी के साथ कपूर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल मैं बुआनी खेड़ा में, फिलहाल बुआनी खेड़ा में, बुआनी खेड़ा का कार्यालय है भाई बीजेपी का, इसमें थे। फिलहाल कपूर बाल्मीक जी पूछे को नहीं, उसका पहले इतना उत्साह लग रहा है, रंग लगाने लग रहे हैं, नचने लग रहे हैं, ढोल बाजे हैं, डीजे बाजे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताइयो कि यह जीत कैसी है, क्या लगे आपने, कितना अंतरा थे जीत जो हुई है, 20+ के वोटर जीती है, इसमें क्या कहना चाहोगे, किसकी जीत है आखिर, आप ही बता दो कमेंट।